माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एआरटी और सरोगसी बिल जो लॉन्ग टाइम से राज्यसभा में पेंडिंग थे, सरोगसी बिल और एआरटी बिल लास्ट वीक में लोकसभा ने पास किया और आज और कल दो दिन में इस बिल पर कुल मिला के सम्माननीय 15 सदस्यों ने अपनी बात रखी है। उसमें ममता मोहंती जी, केसी जी, अयोध्या राम रेड्डी जी, के सोम प्रसाद जी, तंबी दुराई जी, कनक मेंदला जी, डॉक्टर वत्स साहब, अमर पटनायक जी, अजय प्रताप सिंह जी, जीके वासन जी, सीमा जी, डॉक्टर विकास महात्मये जी, कांता कदम जी और अशोक वाजपेयी जी, ये सभी सम्माननीय सदस्यों ने एआरटी और सरोगसी बिल पर अपने विस्तार से अपना विषय भी रखा और अपने बात भी रखी। माननीय डेप्यूटी चेयरमैन साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तक दुनिया से दंपति आते थे और सरोगसी और एआरटी देश में बहुत सालों से चल रहा है। शायद 1978 से इंडिया में सबसे पहला बालक का जन्म हुआ था आईवीएफ से और वो बालक का नाम था कनुप्रिया, 3 अक्टूबर 1978। तब से देश में आईवीएफ हो रहा है, सरोगसी हो रही है और उसको रेगुलेट करना बहुत आवश्यक था। दुनिया के लोग इंडिया में आए, हमारे महिला के कुक को किराए पे ले, बच्चा पैदा करके एमिडेंट छोड़ के चले जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इंडिया में ये दिन अभी नहीं बचे हैं। समय बदल गया है, बदल के समय के साथ हमारी बहन बेटियों का सम्मान करना हमारी जिम्मेवारी है। इस बिल के माध्यम से हम हमारी महिला जिसको कुदरती तौर पर मातृत्व प्राप्त नहीं हो सके हैं, ऐसी महिला का सम्मान करने के लिए बिल लाए हैं। ये बिल ऐसी महिला जिस महिला बालक चाहती है, परिवार बनाना चाहती है, परिवार बनाने के जवाब के अपने अधिकार से वंचित ना रहे, वो भी एक उसके उद्देश्य थे। लेकिन जब सालों से देश में क्या हो रहा था, कई ऐसी घटना देश में बनी जिस घटना को हमें तुरंत ही उसको रेगुलेट करने के लिए करने का हमें आवश्यकता महसूस हुई। पहले एक बार हुआ था 2014 में, 26 साल की एक महिला, उसको एग रिट्रीवल के दरमियान कुछ दिक्कत हुई और उसका मृत्यु हो गया। तो जब एआरटी होता है तब एक को ओवरी को स्टिमुलेट करनी होती है और स्टिमुलेट ओवरी से एग निकाला जाता है, एक टेक्निकल प्रक्रिया है। और ऐसी स्थिति में कोई महिला का मृत्यु हो जाए तो उसको प्रोटेक्शन होना आवश्यक है, उसको रेगुलेट करना आवश्यक है और उसकी जिंदगी ना जाए उसकी चिंता करने के लिए भी आवश्यक होता है। इसको ध्यान में रखते हुए भी ये बिल ला गया है। और माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, कई बार ऐसी ही घटना बनती है जो अविवाहित महिला छोटी एज में अपने ओम को कभी कॉमर्शियल यूज कर लेती है, बेचती है और अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने की, आर्थिक रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश करती है, ऐसी भी घटना बनी। ये भी नहीं होना चाहिए, उसको भी रेगुलेट करने की आवश्यकता है। और आंध्र प्रदेश में घटना घटी थी माननीय चेयरमैन साहब, जब 74 ईयर्स की एक महिला ने दो ट्विंस को जन्म दिया था और 74 ईयर्स के बाद ट्विंस को जन्म दे, उसको संभालना, उसको पालना, उसकी तो वो जब बच्चा बड़ा होता है तब तक तो वो उसकी एज पूरी हो जाती है और एथिकली भी वो ठीक नहीं लगता और शारीरिक दृष्टि से भी मेडिकल साइंस भी ऐसा कहता है कि इतनी एज में गर्भधारण नहीं करना चाहिए, तो उसको कैसे रेगुलेट करे? अनएथिकल प्रैक्टिस होती है, उसको भी रेगुलेट करने की आवश्यकता है। और कई बार ये भी होता था, ये आईवीएफ सेंटर तो थे पर लेकिन रेगुलेशन नहीं थे, सरोगसी तो होती थी लेकिन कोई रेगुलेशन प्रावधान नहीं होने से कई बार सेक्स सिलेक्शन भी हो जाता था,
मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट भी हो जाता था। एक का बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ निकली है, उसमें गैमेट्स का मिक्सिंग। कोई ऐसा चाहे कि मुझे इस टाइप का बालक चाहिए, वो उसकी आई ऐसी होनी चाहिए, उसका कलर बहुत वाइट होना चाहिए, तो उसमें कभी गैमेट्स का मिक्सिंग भी हो जाता है। वो अच्छा नहीं है, वो सही नहीं है सभ्य समाज के लिए, उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता होती थी। ये सारी चीज़ों को देखते हुए ईआरटी बिल में उसका प्रावधान किया गया, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, उसको कैसे कंट्रोल करके हम जो महिला माँ बनना चाहती है, परिवार बनाना चाहती है, उसको अवश्य मदद करें, उसको मदद करना है। प्रोग्रेसिव बिल भी है और हमारे देश के कुल मिला के भावनाओं और महिलाओं का शोषण को अटकाने का भी बिल है। और आज तक का एक पीरियड इस टाइप का गया है जिसमें महिला सरोगसी करती थी लग्जरियस के लिए, इट्स नॉट गुड। एक महिला अपनी लग्जरियस के लिए वो सरोगेट्स करे, ये ठीक नहीं है, तो उसको भी रोकने की आवश्यकता थी। और जिसको आवश्यकता हो, जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, वो क्लिनिकल उसमें कोई कमी है, ऐसी ही महिला सरोगेट्स का यूज करके अपने मातृत्व धारण करे, तो उसको अधिकार भी मिले और स्वाभाविक तौर पर वो माँ भी बन सके और अपना परिवार भी बचा सके। ये सारा विषय को देखते हुए ये दोनों बिल लाए गए हैं। और दोनों बिल जब पहले राज्यसभा में सरोगसी बिल आया, मैं अभिनंदन देना चाहूँगा, उस वक्त सिलेक्ट कमेटी बनी, भूपेंद्र यादव जी हमारे सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे, उसकी अध्यक्षता में बहुत विस्तार से उस पर डिस्कशन हुआ। और सरोगसी बिल तो 2016 में शुरुआत हुई थी और 2016 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में गया, उस वक्त उसके ऊपर विस्तार से बातचीत हुई, वो लोकसभा में आया, लोकसभा में पारित हो गया, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, बाद में वो फिर से बिल लाया गया, फिर लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा में आया, राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने उसके ऊपर बहुत गहन चर्चा की थी, कई सुझाव भी दिए और महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जो सुझाव हमने मान भी लिए, और कई सुझाव ऐसे हैं जिसको हम रूल्स में भी ला सकते हैं ऐसा करके। और ये उसको जब ये दोनों को उस वक्त ये सिलेक्ट कमेटी ने अपना सुझाव दिया था और सिलेक्ट कमेटी ने कहा था कि केवल आप सरोगसी बिल लाएंगे और एआरटी बिल नहीं लाएंगे तो सरोगसी बिल का कोई महत्व नहीं है, तो सरोगसी बिल के साथ एआरटी बिल भी लाना चाहिए और एआरटी बिल और सरोगसी बिल दोनों संयुक्त आए तब तक राज्यसभा में उसको रखे और एआरटी बिल लोकसभा में पास होने के बाद ही राज्यसभा उसको पारित करे, ऐसा रिपोर्ट सिलेक्ट कमेटी ने दिया था। उसको संज्ञान लेके हम एआरटी बिल लोकसभा में लेके आए, लोकसभा में भी वो स्टैंडिंग कमेटी में गया, स्टैंडिंग कमेटी ने भी 64 जितने सुझाव दिए, सुझाव पर भी हमने विस्तार से डिस्कस किया, उसमें कई सुझाव हमने ज़्यादातर सुझाव मान लिए और सिलेक्ट कमेटी ने भी जो सुझाव दिया है सरोगसी बिल पर, उस पर भी हमने विस्तार से उसके पर विचार विमर्श किया और उसको भी हमने माना। और उसमें सरोगसी का लाभ और एआरटी का लाभ क्या कौन कौन ले पाएंगे, कि यहाँ बातचीत आई कि भाई जो सिंगल महिला है और जो मातृत्व धारण करना चाहती है उसका लाभ ले सकती है, नहीं ले सकती है, और सिंगल महिला को एआरटी का लाभ मिल ही सकता है, इसलिए उसको सरोगसी की आवश्यकता वैसे ही नहीं रहेगी, एआरटी का लाभ लेके भी वो अपना परिवार को बचा सकती है। और एआरटी बिल में कौन लाभ ले सकते हैं दोनों बिल का, या तो ये व्यवस्था का, तो जो भारत की विवाहित महिला है, पति पत्नी है, वो उसका लाभ ले सकती है, लेकिन अविवाहित स्त्री, अविवाहित महिला एआरटी का लाभ ले सकती है, और विधवा भी एआरटी का लाभ ले सकती है, सरोगसी का भी लाभ ले सकते हैं, कोई विधवा हो गई, कोई कारण से उसके पति नहीं रहे, ऐसी स्थिति में विधवा को अपना फैमिली बनाना है तो विधवा वो स्वयं सक्षम है, वो अपने स्वयं मातृत्व धारण कर सकते हैं, लेकिन कभी विधवा है और वो मातृत्व धारण करे ऐसी स्थिति में नहीं है और फैमिली बनाना चाहती है तो वो सरोगेट्स का उपयोग कर सकती है। वैसे भी कई बार ऐसी घटना होती है जिसमें डिवोर्स हो गया हो, और डिवोर्स हो गया हो तो महिला अकेली हो गई और वो फैमिली बनाना चाहती है, वो पुख्त है और वो स्वयं मातृत्व धारण करना चाहती है, तो वो एआरटी का लाभ ले सकती है। और वो ऐसी स्थिति में वो डिवोर्सेस हो गई लेकिन वो मातृत्व धारण करे ऐसी स्थिति में नहीं है तो क्या करे, वो बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं है तो क्या करे, तो वो सरोगेट्स का भी उपयोग कर सके, ऐसा भी उसमें प्रावधान किया गया है। और दूसरा,
जो OCI और NRI के लोग हैं वो जो इंडिया में आके यहाँ सरोगेट्स का उपयोग करके बच्चा पैदा करते थे, कॉमर्शियल यूज कर लेते थे और महिलाओं का शोषण करते थे और कई बार एमेंडमेंट करके चले जाते थे, ऐसा नहीं। उसको भी जो ही महिला विदेश में, जो भी कपल विदेश से आए इंडिया में, सर कोई अपने तरह से तैयार हो, कोई महिला तैयार हो उसको सरोगेसी के लिए, तो भी उसके यहाँ एक कानून है जो यहाँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो उसको वो नागरिकत्व दे सकता है। वो वहाँ नागरिकत्व नहीं देंगे और यहाँ बच्चा पैदा करेंगे तो क्या फायदा। तो हमने ये भी प्रावधान रखा, बहुत उंडाण से उसको देखा है, समझा है। और विवाहित महिला को भी हम जब ERT का लाभ लेती है तो हमने प्रावधान रखा है कि 2-3 सालों प्रयास करें, वो बच्चा पैदा कर सकती है तो स्वयं करे। और इसलिए हमने उसकी मिनिमम एज 21 से 50 रखी है, और जब वो सरोगेसी के लिए प्रयास करती है तो हमने उसको 23 से 50 रखा है, क्योंकि पहले अपने यहाँ स्वयं जो बच्चा पैदा करे इसे सक्षम है तो उसको सरोगेट्स का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, तो वह पहले प्रयास करे और उसके बाद ही वो सरोगेसी का रास्ता ले। दूसरा, हिंदुस्तान में एक ट्रेडिशन भी है गोद लेना, ये भी एक काउंसलिंग का विषय है और हमारी यही सही ट्रेडिशन है और ये परंपरा चली आई है। फैमिली में कोई व्यक्ति माता पिता नहीं बन सकते हैं, मदर फादर नहीं हो सकते, ये तो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, तो अपने भाई का, रिलेटिव्स का, रिश्तेदार का बेटा बेटी वो गोद ले लेते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है। और ऑप्शन ये बिल में लाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन हम स्वीकार भी कर सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकता है। और दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सरोगेट मदर कौन बन सकती है, तो सरोगेट मदर बनाने के लिए हमने तय किया है कि ये महिला परिणीत ही होनी चाहिए, विवाहित ही होनी चाहिए, जिंदगी में वो उसका कॉमर्शलाइजेशन ना हो जाए। यहाँ कई सम्मानित सदस्यों ने कहा कि एक देश में बड़ा कारोबार होगा, इंडस्ट्रीज खड़ी होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय ये इंडस्ट्रीज नहीं है और नहीं इंडस्ट्रीज उसको कभी बनाना चाहिए, ये नहीं देश की इनकम का साधन होना चाहिए, ये मातृत्व धारण करने का विषय है। जिस दंपति जो संतान नहीं है वो संतान पैदा करना चाहते हैं, मातृत्व धारण करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, उसके लिए सरोगेसी है, उसके लिए ERT है, एक कॉमर्शियल बन जाए और देश में वो इंडस्ट्रीज के तौर पर विकास डेवलप हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो, इस भावना के साथ ये विषय को लाया गया है। और दूसरा, उसमें इसलिए ही ये प्रावधान किया है कि उसका कॉमर्शलाइजेशन ना हो जाए, इसलिए एक महिला एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है, बार बार नहीं बन सकती है। और एक चाइल्ड हो उसको, वो मिनिमम 3 साल का हो गया हो बाद में ही एक, क्योंकि एक बार जब बालक पैदा करने की क्षमता उसकी है तो पता चल जाता है कि नहीं वो हेल्दी है और बालक पैदा कर सकते, तभी वो सरोगेट मदर के रूप में आए, जैसे उसका शोषण होने की संभावना ना रहे। और उसमें जब ये स्थिति में आती है तो उसका कॉमर्शलाइजेशन ना हो जाए, ये भी एक आवश्यक है। और गैमेट्स डोनर की एज क्या होनी चाहिए वो भी तय किया गया है, क्योंकि जब हम कोई गैमेट्स देते हैं तो उसकी एक एज सुनिश्चित हो, जैसे वो गैमेट्स का मिसयूज ना हो, कॉमर्शलाइजेशन ना हो। और ये जो रजिस्ट्रेशन हम करते हैं ERT के अंतर्गत कई क्लिनिक है, आज माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई IVF क्लिनिक है, ये क्लिनिक का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो क्लिनिक के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और एम्ब्रियो बनाने के लिए क्लिनिक का उपयोग होता है, लेबोरेटरी का उपयोग होता है, तो लेबोरेटरी में कितने एम्ब्रियो बना उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, एम्ब्रियो किसका है, किसको देना है, कोई प्रावधान नहीं, इसलिए वो ऐसे ही चलते रहते हैं। वो इतनी बड़ी ये इंडस्ट्रीज ना बन जाए, ये सचमुच में मातृत्व धारण करने का एक विषय रहे, इसलिए उसको रेगुलेट करना आवश्यक था। ये सब सारे चीज़ों को हमने अच्छी तरह से देखा है। और जब डोनर है, महिला है ERT में, या तो सरोगेट्स मदर के रूप में काम करेगी, उसकी हेल्थ की चिंता करना बहुत आवश्यक होता है। और शायद जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक 23 साल की एक महिला, जब उसका ओवम लेने के लिए उसको स्टिमुलेट किया गया ओवरी को, उस वक्त उसका मृत्यु हो गया, या तो उसकी हेल्थ पर कोई नेगेटिव इफेक्ट हो गए, तो ऐसी स्थिति में उसका इंश्योरेंस होना बहुत आवश्यक है। ऐसा आज के दिन में तो कुछ है ही नहीं, तो हमने रेगुलेशन के माध्यम से लाया गया है कि ERT में जो महिला भाग लेगी और जिसका
ओम लेना है, ऐसी महिला को 12 मंथ तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा और सरोगेट मदर के रूप में काम करेगी ये महिला का 36 महीने का इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। जैसे भविष्य में उसकी हेल्थ पर कोई नेगेटिव इफेक्ट हुई हो तो इंश्योरेंस के माध्यम से उसको कंपनसेशन मिल सके, बाद में तो किसी ने ले लिया और चला गया, महिला का जो होना है हो, ये नहीं चलेगा देश में अभी, और इसलिए ये भी प्रावधान उसमें किया गया है। दूसरा, उसका कॉमर्शलाइजेशन ना हो जाए, जो महिला है उसका शोषण ना हो, और कोई सेक्स सिलेक्शन ना कर रहे, कोई गैमेट्स का मिक्सिंग ना कर रहे, कोई नियम जो बनाया गया है उसको ना तोड़े, ये भी बहुत आवश्यक है, सब एथिकल प्रैक्टिस से ही हो, इसलिए ये बिल में प्रावधान किया गया है। पजेशन का, जेल का प्रावधान किया गया है, सजा का प्रावधान किया गया है, उसमें ये सब काम करने वाले लोगों को क्या क्या सजा करेंगे, तो पहले तो हम जो फर्स्ट बार सजा करेंगे उसको फर्स्ट टाइम हम 5 से 10 लाख तक का जुर्माना करेंगे, क्योंकि आप जो एथिकली प्रैक्टिस का वायलेशन कर रहे हो, आपके सामने हम 5 से 10 लाख, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति भी हो, या तो हॉस्पिटल हो, या तो लेबोरेटरी हो, कोई भी हो, तो उसके सामने 5 से 10 लाख का जुर्माना, उसको दंड किया जाएगा। और उसके बाद सेकंड टाइम जो उसका हैबिट हो गई हो, या तो बदइरादा से उन्होंने बार बार किया है, तो उसको 10 से 20 लाख का दंड और 8 साल की सजा भी करेंगे, क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिस करके किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है, तो उसको सजा का प्रावधान भी किया गया है। वैसे ही सरोगेसी में भी कोई रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन करेगा तो उसको भी 10 साल तक की सजा का जोगवाई किया गया है। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, सारा विषय को दोनों बिल लाने के पहले ये भी, जब राज्यसभा में सरोगेसी बिल पर पहले भी 2 दिन तक डिस्कशन हो गया है, उस वक्त भी कई सुझाव आए थे, सिलेक्ट कमेटी ने उसका संज्ञान भी लिया था, सिलेक्ट कमेटी स्वयं कई स्टेट में जाके प्रत्यक्ष जहां सरोगेट्स और जो जहां इस काम होता है, ऐसे IVF की क्लिनिक की भी उन्होंने मुलाकात ली और ERT के प्रोसेस को अच्छी तरह से समझा और उसके साथ बातचीत किया, हॉस्पिटल की मुलाकात ली, लेबोरेटरी की मुलाकात ली, इस काम से जुड़े हुए डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन किया और उसके बाद अपने अपनी रिपोर्ट रखी, एक्सपर्ट लोगों से भी बातचीत किया और पार्लियामेंट के फ्लोर पर लोकसभा और राज्यसभा में इतना विस्तार से बातचीत, डिस्कशन और सुझाव के बाद ये बिल लाया गया है। मैं सदन को प्रार्थना करता हूँ कि यूनानिमसली दोनों बिल को पास करें।